अनंत किचन में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मैंगो आइसक्रीम। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी ये मैंगो आइसक्रीम बनाने के। आई एम श्योर दोस्तों आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अभी बातें बंद करते हैं और मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए एक आम, मैं इसको छील लूंगी और फिर हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप यहाँ पर किसी भी वैरायटी का आम यूज कर सकते हैं, जो भी सीजन में हो आपके घर के पास अवेलेबल हो। अभी आम को मैंने छील लिया तो मैं इसको काट लेती हूँ। सारे पीसेस को मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। तो मैंने सारा आम काट लिया है, अभी हम इसकी बढ़िया सी प्योरे बना लेंगे। हमें एकदम स्मूथ और सिल्की इसकी प्योरे बनानी है। तो मैंने गैस पर एक पतीला रख लिया है, मैं ले रही हूँ आधा लीटर फुल क्रीम दूध। दूध में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून 2 बड़े चम्मच चीनी के। अगर आप मीठा तेज खाते हैं तो 4 चम्मच भी डाल सकते हो। मैं थोड़ा लाइट खाती हूँ इसलिए मैंने कम ही डाली है। और मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच ही डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अभी मैंने गैस ऑन नहीं करी है, अभी सिर्फ चीनी और कॉर्नफ्लावर के साथ में दूध को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। एक बार जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। कॉर्नफ्लावर बहुत अच्छे से दूध में मिक्स हो चुका है, देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो मैं अब गैस को ऑन करूंगी। इस मिक्सचर को हम अच्छे से पकने देंगे। हमें एकदम थिक कंसिस्टेंसी वाला एक मिक्सचर अपना तैयार कर लेना है। कॉर्नफ्लावर की वजह से दूध बहुत जल्दी हमारा गाढ़ा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिला लेंगे। हम देख सकते हैं जैसे जैसे दूध उबल रहा है, गर्म हो रहा है, ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा होता जा रहा है, ये देखिए। तो हमें कंटिन्यूस इसको चलाना है, आप 1 मिनट के लिए भी छोड़िएगा मत, अदरवाइज जो कॉर्नफ्लावर है वो बर्तन पर चिपक जाएगा। तो हम इसे कंटिन्यूस ऐसे चलाते रहेंगे, स्टर करते रहना है। और इसका हमें बहुत ही स्मूथ टेक्सचर वाला एकदम थिक और बढ़िया सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। मिक्सचर हमारा काफ़ी थिक हो चुका है, एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। तो मैं गैस को सिम कर दूंगी और जो हमने ये बढ़िया मैंगो प्यूरी बनाई है इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ। मैंगो प्यूरी के साथ इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को हम सिम ही रखेंगे। मैं मैंगो प्यूरी और हमारे जो मिल्क का ये हमने बढ़िया सा बनाया है मिक्सचर, इसको पका रही हूँ। गैस मैंने बिल्कुल सिम कर रखी है, देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ, 2 ड्रॉप्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। वाह, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है इसका। और हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए एकदम वैसी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। मैं इसको सिर्फ 2 मिनट और पकाऊंगी और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। मुझे इस मिक्सचर को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो मैं गैस को बंद कर दूंगी, अभी हम इसे एक बर्तन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो मिक्सचर था हमारा, देखिए काफी ठंडा हो गया है, अब इसमें से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकल रहा है। तो मैं इसे एक कांच के बॉल में ट्रांसफर कर रही हूँ। वाओ, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं अच्छे से सारा मिक्सचर निकाल लेती हूँ। यहाँ मेरे पास है क्लिंग रैप, तो मैं इस पर थोड़ा सा क्लिंग रैप लगा दूंगी। मैं इसको थोड़ा अंदर कर देती हूँ
ताकि इसमें बिल्कुल भी जो बर्फ है वो ना जमे। इस तरह से टच करते हुए हम उस पर लगाएंगे। अभी मैं इसे फ्रीजर में रखूंगी 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे रखना है। जब ये सेमी सॉलिड हो जाएगी तो हम बाकी के स्टेप्स करेंगे। तो ये आइसक्रीम को फ्रिज में जमते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मैं इसकी एक क्रीम फिल्म हटा देती हूँ। अभी ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, देखिए। तो हमें करना क्या है, इसको मैं एक मिक्सर में डाल लूंगी और इसको हम चर्न करेंगे। तो मैं आइसक्रीम को एक इसमें मिक्सर में शिफ्ट कर लेती हूँ। जब हम इस तरह से सेमी सॉलिड आइसक्रीम को ब्लेंड कर लेते हैं मिक्सर में, तो उसके बाद जब हम आइसक्रीम जमाते हैं तो एकदम सॉफ्ट बनती है। तो अब इस आइसक्रीम को मैं अच्छे से चर्न करूंगी और उसके बाद हम इसको सेट करने के लिए रखेंगे। अभी मैंने एक मोल्ड ले लिया है और ये बढ़िया जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, देखिए कितना सिल्की है ये। वाओ, चर्न करने से एकदम ये क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है। तो इसको अभी हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। तो मैं आइसक्रीम को थोड़ा सा टैप कर देती हूँ। वापस मैं इस पर क्लिंग फिल्म लगा रही हूँ। और हम इसको फ्रीजर में रखेंगे अच्छे से, 6 से 8 घंटे के लिए हम इसको सेट होने देंगे। तो ये आइसक्रीम को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। इसको मैंने थोड़ी देर थॉ होने दिया है, 5-1 मिनट। वाओ, ये थैली हम हटा देते हैं। देखिए बिल्कुल भी इसके ऊपर बर्फ नहीं जमी है। मैं अभी एक प्लेट ले रही हूँ और प्लेट में हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। वाओ, कितना इजीली निकल के आ गई है बाहर, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। अभी कट करके देखते हैं, एकदम सॉफ्ट बनी है जैसे मार्केट की आइसक्रीम होती है। मैं इसको कट कर लेती हूँ और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो मैं आइसक्रीम को एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। अब मैं इसको गार्निश करूंगी थोड़े से पिस्ते के साथ। वाओ, इट्स लुकिंग सो नाइस एंड सो यमी। तो दोस्तों, देखा आपने हमने कितनी आसानी से ये टेस्टी मैंगो आइसक्रीम बना ली है। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए ऑरम्स किचन। बाय।